चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहे हैं वतुल तबरो अयदन फिद दीन, और कफात का एतबार दीन में भी किया जाता है। दीन बोला गया तो फौरन आपका जहन जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, दीन इस्लाम, हालांकि वो मुराद नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर जिस कफात की बात चल रही है तो उसका मतलब ये है कि अगर वो कफात नहीं पाई जाती है तो निकाह तो हो जाएगा, मगर कफात ना पाए जाने की वजह से औलिया को हक एतराज रहेगा, मगर निकाह हो जाएगा। और दीन का माना अगर लेते हैं इस्लाम, कि इस्लाम में बराबरी जरूरी है कि ये भी मुसलमान हो ये भी मुसलमान हो, तो ये तो शर्त में से है, निकाह के मुनाकिद होने ही की शर्त में से है, है? उसमें कौन सी, उसमें कोई समझौता ही नहीं है कि एक दीन पर हो और एक गैर दीन पर हो तो निकाह ही नहीं होगा। यहाँ पर किस में बराबरी की बात चल रही है, उस बराबरी की कि अगर ना भी हो तब भी निकाह का इनकाद हो जाता है। हाँ, अलबत्ता उसके फुकदान की वजह से औलिया के, जो लड़की के औलिया हैं उनको एतराज का हक होता है। तो इसलिए उस दीन से मुराद यहाँ पर क्या, अय दयानत, यानी दीनदारी, तकवा, परहेजगारी, ये है जो फिस्क के मुकाबले में आता है, तो उसका भी एतबार किया जाता है। वहाजा कौलो अबी हनीफता व अबी यूसुफा हुआ सही, और यही इमाम आजम और इमाम अबू यूसुफ का कौल है और यही सही है। यानी एक कौल इमाम आजम का वो है जो इमाम अबू यूसुफ के साथ है कि दयानत का एतबार है, और ये कौल सही है, सेहत के साथ साबित है। और दूसरा कौल ये है कि उसमें वो इमाम मोहम्मद के साथ हैं जो नीचे आ रहा है, तो उसमें क्या है कि इसका कोई एतबार नहीं है। करलियन्नहु मिन आलल मफाखिरे, क्यों इसका एतबार है, कह रहे इसलिए कि दीन तो यानी तकवा परहेजगारी तो ये आला किस्म की फख्र की चीज है। मिन आलल मफाखिरे, फख्र की आला किस्म की, आला किस्म है। वल मर अतो तो अय्यरो बे फिस्क ज़ौजे फौका मा तो अय्यरो बे दाते नफ नसब ही, और औरत को शौहर के फिस्क की वजह से उससे ज्यादा आर दिलाई जाती है जितनी आर उसके नसब यानी शौहर के नसब के घटिया होने से दिलाई जाती है। तो देखिए ये क्या करे कि दिलाई जाती है, क्या कि उससे ज्यादा दिलाई जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका मदार उर्फ पर है। इसका मदार किस पर है, उर्फ के ऊपर है। दिलाई जाती हो तो ठीक है, वहां पर इसमें कफात में इसका एतबार करेंगे, और जहां दिलाई नहीं जाती है तो वहां पर कफात का, कफात में इसका एतबार नहीं करेंगे। जैसे कि मुतकद्दमीन फुकहा ने ये लिखा है कि अगर कोई शख्स जालिमों की खिदमत की नौकरी करता है, जालिम हुक्काम हैं जो रिश्वत खोरी करते हैं, एक दूसरे गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं, और उनके खादिम की हैसियत से है, चपरासी की हैसियत से, उनका झोला बरदार है की हैसियत से नौकरी कर रहा है, तो देखिए नौकरी किसकी कर रहा है, एक बड़े अफसर की कर रहा है, जाहिर है उसका रुतबा बड़ा होगा ना। लेकिन चूंकि जालिम अफसर की खादिम की हैसियत से नौकरी कर रहा है, तो जैसे वो लोगों का खून चूस रहा है तो ये भी शरीक माना जाएगा खून चूसने में, क्योंकि खादिम है। तो इसलिए मुतकद्दमीन फुकहा ने किया कि ऐसा शख्स किसी दूसरे का कुफ नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फासिक है, लोगों का खून चूसने में उसकी मदद कर रहा, खून चूस भी रहा है, सबसे बड़ा फासिक यह है। तो ये मुतकद्दमीन फुकहा ने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस जमाने में उसको बहुत गिरी नजर से देखा जाता था, बहुत बुरी निगाह से देखा जाता था कि अरे ये नौकरी करता है, फलां के साथ रहता है, बहुत बड़ा फासिक है, जालिम है, ये है, इस तरह से उसको बुरा समझा जाता था। तो इसलिए उसका एतबार किया मुतकद्दमीन ने, लेकिन बाद में मुताखरीन उलमा ने ये देखा कि इसका एतबार नहीं करते हैं लोग, बस नौकरी कर रहा है और उसमें कोई घटिया काम नहीं कर रहा है दुनिया के एतबार से, घटिया जैसे नाली साफ करे या एक ही पैखाना साफ करे, इस तरह से और कोई काम नहीं कर रहा है, तो
तो उसको भी इज्जत की नजर से देखते हैं, अरे ये फलां का वो है, खादिम है, फलां का चपरासी है, उनके ऑफिस में रहता है, एसपी साहब के ऑफिस में रहता है, जिला अधिकारी के ऑफिस में रहता है, हैं? तो उसको बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि उसको इज्जत की नजर से देखा जाता है। नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता हो तो फिर मत पूछिए, उसकी और ज्यादा इज्जत है। हैं यहाँ, अरे वो तो बहुत बड़ी वो हो गई। अगर आज के जमाने में कोई शख्स ये जो झाड़ू नहीं लगाते हैं, चपरासी वाला काम नहीं निकली है, जिसमें भंगी उंगी लोग हैं ज्यादातर, नाली उली साफ करते हैं, सफाई कर्मी भी अगर हो गया है तो उसकी भी इज्जत बढ़ जाती है, चे जाए कि घटे। क्यों? इसलिए कि 20-25 हजार रुपया कमा रहा है वो, हालांकि नहीं देख रहे हैं कि नाली साफ कर रहा है, हाँ? तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, तो उर्फ देखिए बदल गया। तो ये तो इस वक्त की बात हम कर रहे हैं, इससे पहले मुताखिरीन उलमा ने कह दिया है कि नहीं वो कुफू बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज से पहले भी, बहुत पहले नहीं, बहुत पहले तो बुरा समझा जाता है, हमसे बहुत पहले कुछ मुताखिरीन उलमा ने ये महसूस किया कि इसको बुरा नहीं समझा जा रहा है, लिहाजा इसकी वजह से वो गैर कुफू नहीं माना जाएगा, बल्कि कुफू बन सकता है और अपने जैसे लोगों का। तो देखिए, और बाहर शरीयत में भी इसी को इख्तियार किया है, पूरी बात यही लिखी है कि मुतकद्दिमीन उलमा ने ये लिखा है कि वो मतलब कुफ नहीं बनेगा अच्छे लोगों का, लेकिन मुताखिरीन उलमा ने ये देखा कि उसकी वजह से उर्फ में उसे बुरा नहीं समझा जाता है, इस वजह से वो कुफ बन सकता है बड़े लोगों का, बशर्ते कि वो जो पेशा कर रहा, जो काम कर रहा है, वो जलील पेशा ना हो कि जिसकी वजह से लोग जलील उसे समझते हों। जैसे भंगी है, मतलब पैखाना साफ करने वाली नौकरी कर रहा है, तो चाहे जितना पैसा कमाए वो, उसको जो है उर्फ में बुरा ही समझा जाता है। चलिए, तो कह रहे हैं कि वलमर अतो तुआई, तो एतबार है दयानत का, इसीलिए बाहर शरीत में भी लिखा कि अगर कोई मुत्तकी और परहेजगार शख्स है, उसकी लड़की है, दूसरी जानिब लड़का फासिक है, तो फासिक शख्स उस मुत्तकी परहेजगार की लड़की का कुफ नहीं बन सकता है, चाहे वो लड़की खुद परहेजगार हो या ना हो, उसके बाप का भी एतबार किया गया उसके अंदर। लेकिन अब लोग ना इसे लेते हो उर्फ में तो कोई बात नहीं है। आज आप देखिए बड़े बड़े उलमा हैं और ये नहीं ख्याल करते हैं कि सामने वाला लड़का नमाजी है कि नहीं है, अहकाम शरा की पाबंदी करता है कि नहीं करता है, बस ये देखते हैं कि हाँ नौकरी करता है, 50,000 रुपया महीना कमाता है, 1,00,000 रुपये महीना कमाता है, तो बाकी दीगर चीजें नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब कि आज के उर्फ में फिस्क को बुरा नहीं समझा जाता है शादी के मामले में। तो इसका ताल्लुक चूंकि उम्र दुनिया से है, इस वजह से दुनिया में लोग अगर उसको नहीं बरतते हैं, उसका एतबार नहीं करते हैं, तो एतबार नहीं होगा। वल मर अतो तुआयरो बिफिस्के ज़ौजे फौकमा तुआयरो बे दाते नसब ही, दातुन ये विदुन का मुअव्वज़ है, विदुन था जैसे विदुन से ऐदतुन आता है, तो उसी तरीके से भी विदुन से दातुन हो गया। वकाला मोहम्मद युअतबरो लिअन्नहु मिन उमूरिल आखिरते, और इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि नहीं, दीन में यानी दयानतदारी में कफात का एतबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये चीज उमूर आखिरत से ताल्लुक रखती है। फला तब तनी अहकामुद दुनिया अलैहि है, लिहाजा दुनिया के अहकाम ये उस दीन के ऊपर मबनी नहीं होंगे। इल्ला इजा काना युस्फ़ो व युस्खरो मिन्हो और यखरुजो इलल अस्वाक सकराना व यलअबु बिहि सिबियानो लिअन्नहु मुस्तखफ्फुम बिही, मगर ये कि जब उसे पीछे से मारा जाता हो, सफाया स्पोक मान होता है पीछे से हथेली से इस पर मारना, गुद्दी के ऊपर पीछे का जो हिस्सा है होता नहीं, आप देखते हैं कुछ लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लोग जाते पट से मार देते हैं और मारा जी, उसके बाद वो उसको खराब लगता है तो गाली देता है, ये करता वो करता है, और लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, यानी बहुत हल्का समझते हैं। अभी एक लड़का यहाँ पर है, कभी कभी आप देखते होंगे एक एक की गाली देता है, और पत्थर उत्थर उठा लेता है जैसे लगता है अभी वाकई मार देगा, तो मजाक उड़ाते रहते हैं वो। तो अब देखिए वो क्या है, ये मुस्तखफ, उसको हल्का समझा जा रहा है,
वो क्या हो जाएगा, ये उसमें से आ जाएगा, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह का अगर वो फासिक है इस तरह, तो इसका एतबार किया जाएगा, क्योंकि कोई जो उसके साथ अपनी लड़की को ब्याहेगा नहीं। मगर जबकि उसको पीछे से मारा जाता हो और उसका मजाक उड़ाया जाता हो, या वो बाजारों में नशे की हालत में निकलता हो, इतना पीता हो कि नशे की हालत में बाजारों की जानिब निकलता हो और बच्चे उसके साथ खिलवाड़ करते हो, होते हैं नहीं कुछ, लेनो मुस्तखफ्फुम भी, तो इसका एतबार किया जाएगा क्योंकि ये जलील है, उसकी वजह से ये हल्का समझा जा रहा है। चलिए, काला वतुल तबरो फिल माले, और माल में भी कफात और बराबरी का एतबार किया जाता है। वहुआ अन्यकून मालिकन लिल महरे वन नफकते, देखिए माल में भी बराबरी का एतबार है। माल में बराबरी का एतबार का मतलब ये नहीं है कि लड़की या लड़की के बाप जिस कदर मालदार हो उसी तरीके से लड़का वाला भी मालदार हो, उससे कम ना हो, ये मुराद नहीं है। बल्कि मुराद इससे क्या है, ये है माल में बराबरी का कि कम से कम इतने माल का वो मालिक हो कि जो महर महरे मुअज्जल बन रहा है। कभी क्या उर्फ में होता है कि कुछ महर मुअज्जल होता है, कुछ महर मुअज्जल होता है, अलग अलग जगह का उर्फ है ना, तो जहां का जैसा उर्फ हो, अगर दोनों चलता हो कि निस्व आधा जो है मुअज्जल होता है और आधा मुअज्जल होता है, फौरन देना होता आधा जो है मुअज्जल रहता है, जब कभी तलाक होती है या मौत वाकई होती है तो उस वक्त का मसला आता है। तो इस तरह से अगर है तो जितनी मिकदार में महर मुअज्जल है उतनी मिकदार माल पर कादिर हो, और साथ ही साथ अपनी उस बीवी को खर्चा देने पर कादिर है, उसका खाना कपड़ा रहने की जगह और भी दीगर जो उसके लवाजिमात हैं सिंगार वगैरह के, तो इन सब चीजों के देने पर वो कादिर, इतने पर कुदरत अगर है तो अगर कि उससे ज्यादा मालदार नहीं है, लड़की से ज्यादा मालदार नहीं है, तो वो कुफ बन जाएगा उसका। कह रहे हैं वतुल तबरो फिल माले, वह हुआ अन्यकून मालिकन लिल महरे, और वो ये है कि माल में एतबार क्या है, ये है कि लड़का महर का मालिक हो और नफके का मालिक हो। महर तो जानते हैं बुजाक का एवज, और नफका क्या, उसका खर्च जिससे उसकी जिंदगी गुजरे, खाना कपड़ा रहने की जगह और भी दीगर चीजें जो होंगी, साबुन तेल कंघी। वहाजा हुवल मुतबरो फी जाहिर रिवाया, और यही जाहिर रिवाया में मुतबर है, यानी इतनी ही मालदारी शौहर को मालदार बनाती है, इतनी ही उसको मालदार समझा जाएगा, वो कुफ बन जाएगा दूसरे का। हत्ता अन्ना मनला यमलिको हुमा औला यमलिको अहदहुमा, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स उन दोनों का मालिक ना हो, ना उसके पास नफका देने का माल हो, ना महर अदा करने का माल हो, या कम से कम उनमें से किसी एक ही का मालिक ना हो, मसलन महर तो दे सकता है लेकिन खर्च देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, कर ला यकुनु कुफ्वन, तो ऐसी सूरत में वो कुफ नहीं बनेगा लड़की का। लेनल महर, देखिए लड़की की तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि वो मालदार है कि मालदार नहीं है, सिर्फ इसकी जानिब से इतना माल हो तो माना जाएगा कि माल में ये उसका कुफ है। तो लेनल महरा बदलुल बुजड़े फलाबुद्दा मिनिफाई, इसलिए कि महर ये बुजड़ा का बदल है, जिसका शौहर मालिक बन रहा उसका बदल है ये, तो जब उसका बदल है तो उसकी जानिब से जब सिपुर्दगी पाई जाएगी तो कह रहे हैं कि इसकी जानिब से भी उसकी अदायगी जरूरी है, ईफा उसे अदा करना, यानी अदा करना का मतलब कि अदा करने पर कादिर होना। अच्छा, वबिन नफकते, और नफका के जरिए क़वामुल इज़दिवाज व दवामहू, रिश्ते इज़दिवाज का कायम होना और उसका दायम होना है, कि भाई जब वो नफका ही नहीं रहेगा तो फिर ये कैसे कायम दायम रहेगा। हाँ, अल अत्ता, अब एक चीज ये भी देखिए यहाँ पर है, जो नफका के ऊपर कुदरत की बात कही गई है, तो नफका शौहर के ऊपर बीवी का उसी वक्त वाजिब है जबकि बीवी काबिले जमा हो, यानी इतनी उम्र की हो कि जमा के काबिल हो, और अगर ना काबिले जमा है तो फिर उसका नफका उस वक्त तक वाजिब नहीं है,
और लिहाजा अगर नाबालिगी में छोटे में निकाह हो जा रहा है तो सिर्फ महर की अदायगी पर कुदरत होनी, महर मुअज्जल की अदायगी पर कुदरत होनी चाहिए और नफका के ऊपर कुदरत नहीं। वल मुरादो बिल महर कदर मान तारफू ताजीलहू। अब बता रहे हैं महर से मुराद यानी महर की अदायगी पर कुदरत से मुराद उतनी मिकदार है जितनी मिकदार की ताजील का लोगों में उर्फ है। मतलब क्या हुआ कि अगर लोगों में उर्फ है चलो 50% फौरन देना रहता है, 50% जो बाद में एक उर्फ बन चुका है, तो जितनी मिकदार में ताजील है 50% है या 20% है 25% जो भी है जितना है तो उतने की अदायगी पर वो कादिर हो बस और बाकी के नहीं। कह रहे लेना मा वरा अहू मुअज्जल उर्फन, इसलिए कि उस मुअज्जल के अलावा जो होता है ये उर्फ में मुअज्जल हुआ करता है, उधार हुआ करता है और उस उधार वाले का मुतालबा नहीं करती है। वो कब उसका मुतालबा होता है? जब मौत वाक़े हो जाए, उनमें से किसी निकाह जब खत्म हो जाए। करवान अबी यूसुफा अन्नहु इतबरल कुदरता अल नफ़क़त दूनल महरे, और इमाम अबू यूसुफ से ये मरवी है कि उन्होंने सिर्फ नफका के ऊपर कुदरत का एतबार किया है महर को छोड़ करके, महर पर कुदरत का एतबार नहीं किया है। तो वो उर्फ के एतबार ही से वो कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कह रहे इसलिए कि महर की अदायगी में बड़ी नरमी बरती जाती है, महर की अदायगी में नरमी बरती जाती है, नहीं भी दिया तब भी कोई बात नहीं है, लड़की जो है मना नहीं करती है, नहीं अदा किया अगरचे महर मुअज्जल था लेकिन नरमी बरती जाती है, तो ये उर्फ पर ही मबनी है। और अगर उर्फ ऐसा ही हो कि नहीं बगैर उसके हाथ लगाने ना देती हो महर मुअज्जल बगैर दिए हुए, तो फिर ऐसी सूरत में एतबार उसका किया जाएगा उसके ऊपर कुदरत का। तो अपने अपने उर्फ के एतबार से कहा गया लेन नहु तजरिल मुसाहलत फिल मुहूर, इसलिए कि महरों की अदायगी में नरमी जारी होती है। मुसाहरत माने नरमी बरतना, चलो अभी नहीं बाद में दे देंगे, हालांकि मुअज्जल हो चुका है लेकिन फिर भी उसमें मान लिया जाता है। और रही बात नफका की, तो भाई नफका के बगैर कैसे चल पाएगा? खाना के बगैर रह पाएगा कोई? कपड़ा के बगैर रह पाएगा? चलिए वयुअद्दुल मरउ कादिरन अलैहि बेयसारे अबी है, और लड़का अपने बाप के मालदार होने से महर पर कादिर समझा जाएगा। एक है महर और है नफका, दोनों पर कुदरत होनी चाहिए। तो अगर लड़के का बाप मालदार है तो उसकी मालदारी की वजह से इस लड़के को महर की अदायगी पर कादिर माना जाएगा। ये भी उर्फ ही के ऊपर है। क्या है? ये भी उर्फ ही के ऊपर। उर्फ ऐसा ही है कि लड़की का बाप जो है, लड़के का बाप शादी कराता है तो महर की जिम्मेदारी भी वही रखता है, वही पैसा वैसा अदा करता देता है। तो ये उर्फ ही के ऊपर है। वही कह रहे हैं कि वही अद और मर्द को अपने बाप के, उसके बाप के मालदार होने की वजह से महर की अदायगी पर कादिर समझा जाएगा। फामल कफात फिल गना फमोतबरतुन, रही मालदारी में कफात और बराबरी कि लड़की वाला जिस कदर मालदार है उससे कम ना हो लड़के वाला। तो कह रहे हैं फमोतबरतुन फी कौल अबी हनीफता व मुहम्मदिन, तो इसका एतबार तरफैन के एक कौल में किया गया है, इमाम आजम और इमाम मोहम्मद के कौल में एतबार किया गया है। हत्ता अन्नल फाइकता फिल यसारे ला युकाफी हल कादिर अलल महरे व नफकते, यहां तक कि मालदारी और खुशहाली में फौकियत रखने वाली, मालदारी में फौकियत रखने वाली खातून का वो शख्स कुफ नहीं हो सकता जो सिर्फ महर और नफका पर कादिर हो। महर और नफका पर कादिर, इसके अलावा जो है वो उससे नीचे दर्जे का है मालदारी में, और लड़की जो है माल में इस पर फौकियत रखती है मालदारी में। तो कह रहे हैं कि उसके एतबार, उस कौल के मुताबिक ये लड़का उसका कुफ नहीं बन सकता है। लेना नासा यतफा खरून बिल गना, इसलिए कि लोग मालदारी के ऊपर फख्र करते हैं, मालदारी की वजह से एक दूसरे के ऊपर फख्र करते हैं। वह तायरून बिल फख्र, और मोहताजी की वजह से आर महसूस करते हैं।
वकाला अबू यूसुफ ला युतबरो, इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया कि उसका एतबार नहीं है, यानी गिना में कफात का एतबार नहीं है। लन्नु ला सिबाता लहू, इसलिए कि मालदारी के लिए सिबात नहीं है, ठहराव नहीं है। एक आदमी मालदार है तो हमेशा मालदारी रहे, लाजिम रहे, उसके लिए ऐसा नहीं है। बहुत ऐसा देखते हैं, इज़ल माल गादिन व रायहुन, क्योंकि माल सुबह के वक्त आने और शाम के वक्त वापस चले जाने वाली चीज है, तो उसका क्या एतबार जो लाजिम ना रहे, साबित ना रहे। तो इस वजह से इमाम अबू यूसुफ के कौल के मुताबिक मालदारी का एतबार नहीं, उसमें कुफ नहीं, बस लड़का महर और नफका के ऊपर कादिर है तो अपने से मालदार औरत का कुफ हो सकता, जबकि बाकी दीगर चीजों में कुफ हो, बिरादरी में हो और दीगर जो चीजें नसब बताई गई है और पेशा बताया गया, ये सारी चीजों में हो। बार शरीयत में भी इसी को लिखा है, जिससे समझ में आता है कि फतवा इसी के ऊपर है, जो इमाम अबू यूसुफ का कौल है कि मालदारी में इसका एतबार नहीं है। वतुल तबरू फिसनायए, अब बात आ रही है, और पेशों में भी कफात का एतबार किया जाता है। पेशों में बहुत मालदार है लेकिन पेशा घटिया है, अच्छा नहीं है और घिन करने वाला पेशा है, तो कितनो माल हो उसकी वजह से वो किसी ऐसे का कुफ नहीं बन सकता जिसका पेशा घटिया ना हो। करे वतु तबरो फिस सनाजाए, और पेशों में भी कफात का एतबार किया जाता है। वहाजा इंदा अबी यूसुफा व मुहम्मदिन, और ये इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के नज़दीक है, और फतवा इसी के ऊपर है कि पेशों में भी एतबार है। वा नबी हनीफता फी ज़ालिक रवायतान, और इमाम आजम से इस सिलसिले में दो रवायतें हैं, एक रवायत तो ये है कि एतबार है, दूसरे में है कि एतबार नहीं है। वा नबी यूसुफ अन्नहु ला युतबरो, और इमाम अबू यूसुफ का मजहब तो वही है, मौकिफ तो वही है कि एतबार किया जाएगा, लेकिन एक रवायत उनकी जानिब से यह भी कि एतबार नहीं किया जाएगा। जब अन आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि एक रवायत इनसे मनकूल है कि एक कौल ये भी उन्होंने किया था, और इंदा का मतलब होता है कि ये उनका मौकिफ है, इसी पर अमल है। तो देखिए इंदा पहला ना, इंदा अभी यूसुफा वो मोहम्मदिन। वान अबी यूसुफ, और इमाम अबू यूसुफ से एक रवायत यह है कि अन्नहु ला युतबरो, कि उसका एतबार नहीं है, इल्ला अन यफहुशा, मगर ये कि वो पेशा बहुत खुला हुआ बुरा हो। फहुशा या फुशो करुमा या क्रमो से, जिसके माने होता है बुरा होना, मगर ये कि वो पेशा बुरा हो और वो भी उसका बुरा होना खुला हुआ हो, वाजे हो बिल्कुल। मिसाल देखिए, कल हज्जा में वल हाइके व दब्बागे, जैसे कि पछना लगाने वाला, आज हमारे उर्फ में हज्जाम किसको बोलते हैं, नाई को बोलते हैं ना, हज्जाम बनाने वाला, हालांकि अरबी में हज्जाम ये किसको बोलते हैं, पछना लगाने वाले को, कि बीमारी की वजह से खून जो है रगों से फाड़ करके फिर वो पाइप रहती थी, आपने देखा होगा क्या नाम है वो, जैसे वो देखी नहीं होती है गोल टाइप वो रबर की होती है, कि डाल करके होता है, उसे दबाते हैं इसको फिर छोड़ देते हैं तो खींच लेता है, दवा वा में आमतौर से आती है ना, ड्राफ्ट के लिए बच्चों को पिलाने वाला नहीं आता है, तो रबर ऊपर लगा रहता है, तो दबा करके फिर उस शीशी में डालते हैं उसका मुंह, फिर छोड़ देते हैं तो खींच लेता है, और खींच लेता है तो फिर उसके बाद उसको पिला देते हैं, ये होता है। तो उसी तरीके से, और उसको आसान समझिए, आपने देखा है, हाँ वो तो होता है, लेकिन अब उसकी कौन सी शक्ल हो गई बिल्कुल, अरे अच्छी शक्ल बन गई है वो, उसमें मुंह का इस्तेमाल नहीं होता है, वो सब जो है मशीन के जरिए होता है, मुंह नहीं ना इसमें इस्तेमाल होता है। तो उसमें होता था, आपने कभी देखा है सांप ओप निकालने वालों को जो बजा करके और नचाते उचाते हैं, बेल देखा है कैसी होती है, गोल होती है, हाँ गोल होती है, फिर इधर पतला रहता है और सामने पतला रहता है, तो उसी तरीके से रहता था। अब लगाया तो उसको वहां किया, फिर खींचते थे, उसमें खींचते थे तो जब खून निकल करके फासिद जो आकर के उसी में जमा हो जाता था, तो इसको बहुत बुरा वो समझा जाता था, इस पेशे को, हजामत को।
वल्हाइके और जुलाहा बुनाई करने वाला। आज तक हमको समझ में आया कि आखिर हायक को इतना मतलब जरबुल मसल क्यों बना दिया है। खासकर आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं ये चीज आती है, समझ में आती है यहाँ के लोगों के लिए। रेशम का कारोबार करते हैं, बताए रेशम एक अच्छा माना जाता है, हाँ साफ सुथरा, लेकिन जहां पर कहीं बात आती है पैसे के खराब होने की, कल हाय की वल हज्जा, इतना बड़ा जैसे लगता है क्या मामला था। तो हमने गौर किया तो उसमें ये समझ में आया, हमारे घर पे हमने देखा तो बहुत पुराने जमाने का रखा हुआ था कोठे पर, वो ब्रश था बड़ा सा, इतना बड़ा ब्रश, हाँ ब्रश। तो पता चला, पूछा गया कि इससे क्या होता था, पता चला कि ये धागा बना करके और फिर उसके बाद उस धागे में माड़ी लगाई जाती थी, और माड़ी लगाने के बाद जैसे मंझा नहीं बनाते हैं टाइट करने के लिए, तो वो इसी ही उसमें माड़ी लगा करके फिर उसी से मांझा जाता था उसी बरस से। तो कपड़ा खूब, धागा खूब टाइट होता था और फिर कपड़ा भी बुना जाता था, बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता था कपड़ा। तो अब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप बाहर माड़ी लगाएंगे, उसमें माड़ी मैदे की होती है, मैदे को पका करके और उसको बना करके लेई जिसको कहते हैं, उसको माड़ी कहते हैं, जब लगाएंगे, अब खास कर अगर बरसात और बरसात का मौसम है तो क्या होगा, मक्खियां उस पर बैठेंगी सब, तो घिन महसूस होती है कि नहीं महसूस होती है। तो हमको समझ में आता है कि यही चीज रही होगी और जिसकी वजह से इस पेशे को बुरा समझा गया है, यही चीज। वरना आज देखिए कहीं कुछ नहीं है, खासकर रेशम वालों के लिए तो बिल्कुल शानदार किस्म का पेशा है ये। और आप खुद सोचिए, किसानों का जिक्र नहीं आता है। किसान जो खेत में जाकर के काम करता है, उसकी बहन बेटियां भी जाकर के बेपर्दा होकर के काम करती हैं, उनका जिक्र नहीं आता है। कपड़ा भी नहीं पहने रहते हैं और इनका जिक्र आता है, जबकि ये आराम से साफ सुथरे कमरे में बैठ करके और पूरे पर्दे के साथ ख्वातीन भी क्या है, लूम चलाती हैं या करगा बुनती हैं और सारी चीजें इनकी महफूज हैं, और क्या नाम है, कोई गंदगी की भी चीज इसके अंदर नहीं है, है? लेकिन इसके बावजूद उनका नाम नहीं आता है, उनका नाम आता है जगह जगह। तो उससे समझ में आया कि उस वक्त जो है इसी तरह की चीज थी वो माड़ी ओड़ी वाली। हाँ, तो असल में अब तकनीक अलग अलग थी ना, अब उस तरीके से चलता था, अब धागा खुद ही जो है अच्छे से अच्छा बन करके वहां से आता है। पहले देखिए खुद ही लोग काटते थे, धागा खुद ही बनाते थे, तो उतना अच्छा बन नहीं पाता था, फिर उसमें माड़ी लगाते थे, दुनिया भर की चीजें थी। बहरहाल ये गंदगी की एक चीज आती है, इसकी वजह से लगता है कि इनको ऐसा समझा गया। अरे हदीस भी पता नहीं गढ़ दी है कि है भी, देखिए मैंने सूत्र में हदीस भी जिक्र की है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप पूरे पर्दे के साथ, बीवी बच्चे भी पूरे पर्दे के साथ हैं और घर के अंदर, और बेपर्दगी उसमें नहीं है, सफाई सुथराई है। अब क्या है, लूम चला रहे हैं, करगा बुन रहे हैं, अजान हुई फौरन कुछ नहीं कर रहा है, कि कुछ करना है कि चलो मिट्टी लग गई तो हाथ धो, तो ये करो वो करो, साबुन लगाओ, है कुछ नहीं करना, सीधे उठे मस्जिद चले गए, वजू की नमाज फिरा करके फिर काम शुरू कर दिया। और किसान जो है वो क्या कर रहा है, पता चला कि गुड़ाई खुदाई कर रहा है तो पैर में मिट्टी लगी है, तो यहाँ मिट्टी लगी है, तो कपड़ा गंदा हुआ है, हैं दुनिया भर की चीजें हैं। असल में क्या है, तैयार करने वालों की अहमियत नहीं है, बेचने वालों की अहमियत है। बताइए जुलाहे हो गए गैर कुफ, और इन्हीं जुलाहों का तैयार किया हुआ कपड़ा जो बेच रहा है मार्केट में, वो सबसे मुअज्जज और सबसे मुशर्रफ माना जाता है, कि उसका आम आदमी कुफ नहीं बन सकता है। बजाज, बजाज अत्तार, बजाज का नाम अत्तार के साथ आता है, बताइए तो अलग होता है। एक है जूता बनाने वाला, सदरुशरीन ने इसको भी लिखा है, भाई फर्क होता है ना, एक आदमी जूता बनाता है तो खुद हाथ से बनाता है तो बुरा समझा जाएगा, और दूसरा आदमी है क्या, कि आपके बनाए हुए जूते को शोरूम में रख करके बेचता है, शानदार ताजिर माना जाएगा, वो मुअज्जज माना जाएगा, और आप मुअज्जज नहीं माने जाएंगे। और आगे बढ़ जाइए,
आपने फैक्ट्री रख बना ली है, बनाने की बात, आपने कारखाना खोल लिया है, तो आप मुअज्जज समझे जाएंगे, आप भी मुअज्जज समझे जाएंगे, जैसे वो शोरूम में बनाने वाला रख करके बेचने वाला मुअज्जज समझा जाएगा। हाँ, जो लोग बना रहे हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर, वो आपसे नीचे समझे जाएंगे। चलिए, हाँ, तो बात समझ में यही आती है कि ऐसे ही कुछ रहा होगा। आला हज़रत ने भी इसके बारे में लिखा है, जुलाहों के बारे में। हालांकि सदरुशरिया आपकी बारगाह में रहते थे, सदरुशरिया ने हाय कलब नहीं लिखा है जुलाह कलब, जबकि वो भी उसी खानदान के थे। चलिए, एक साहब का तबसरा है, और वो साहब क्या आपके शरण सही साहब ही का, अभी दो चार दिन पहले आए थे, तो इस पर वो कह रहे थे कि बड़ी हिम्मत का काम ये था सदरुशरिया का कि आला हजरत के साथ रह करके उनसे इस्तिफादा किया, जहाँ से जुलाहों के खिलाफ आला हजरत ने जो है कफात पात का मसला और इमामत उमामत का मसला जो है खिलाफ लिखा है, लेकिन फिर भी आप जो है बर्दाश्त करते हुए वहां पर रहे। चलिए, बहुत सारे लोग जो है इस वजह से आला हजरत से वो करते हैं, हालांकि ये कफात की बात है, ये उनके ऊपर क्या है, पुराने जमाने से सब चला आ रहा है, बताइए कब के हैं, सातवीं आठवीं सदी, और इसमें लिखा हुआ है, इसके बाद वाले में भी लिखा हुआ है, उससे पहले वाले में भी लिखा हुआ है, हत्ता कि मैंने सतूर में एक हदीस का भी जिक्र कर दिया है। ये बहुत बात है कि मौसी साहब ने जो है उसको लिख दिया वल्लाहु आलम बिसहती, यानी है उसमें कुछ ना कुछ, हाँ, उर्फ का एतबार। चलिए, वान अभी यूसुफा अन्नहु ला युतबर, असल में देखिए एक चीज और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देहात और एक है शहर, तो देहात में ज्यादा एतबार है बनिस्बत शहर के, है चीज है ना ये नहीं भाई, शहर में जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ बिरादरी के लोग रहते हैं तो वहां कम इसका एतबार, शादियां कर लेते हैं, जरूरत पड़ी तो कर लिए, हालांकि बिरादरी का फर्क भी है, लेकिन देहात में तो हाँ भाई बरसरे रोजगार है और खिला जिला लेगा तो कर देते हैं, लेकिन देहात में तो बहुत सुहानी रूह साबित होगा अगर किसी बड़ी जात की लड़की ने और नीचे जात के लड़के से शादी कर दी, आप देखते हैं कि मतलब क्या क्या हो जाता है, उसको जिंदा जला दिया करते हैं अल्लाह की पनाह इससे, और मार डालते हैं और क्या क्या कर देते हैं। तो बहरहाल चलिए, सबका मदार किस पर है, उर्फ के ऊपर है। कल हाई के कल हजामी वलहाई के वबागे, और चमड़े की दबाग देने वाला, यानी कच्चा चमड़ा लेकर के फिर उसको जो पकाते पकाते तो उसमें भी बदबूदबू आती है। अच्छा, वजहुल एतबार अन्न नास तफाखरून बेशरफिल हिरफ व यतअय्यरून बिदनाअतिहा, एतबार की दलील ये है, जिसमें ये एतबार किया गया है कि एतबार किया जाता है, उसकी दलील ये है कि लोग पेशों के अच्छे होने पर फख्र करते हैं, वे शरफिल हिरफ, हिरफा की जमा हिरफ, पेशों के अच्छे होने पर फख्र करते हैं, अरे वो अत्तार है, वो कपड़े की तिजारत करता है, उस पर फख्र करते हैं। वयतअय्यरूना बिदनाअतिहा, और उसके घटिया होने पर आर महसूस करते हैं, ये तो बिल्कुल खुली हुई बात है। वजहुल कौलिल आखर, और दूसरे कौल की वजह, जिसमें यह है कि नहीं इसका कोई एतबार नहीं, पेशे का कोई एतबार नहीं, तो उसकी वजह यह है कि अन्नल हिरफता लैसत बिलाजिमतिन, पेशा ये कोई लाजिम चीज नहीं है, पेशा कि जिसने कोई पेशा अख्तियार कर लिया तो लाजिम हो जाए, भाई आज कर रहा है छोड़ करके दूसरा काम करने लगेगा, ऐसा बहुत आप देखते हैं, आज ये काम कर रहा था कल छोड़ दिया, चलो दूसरा काम, उसमें सक्सेस नहीं हो पाया तो दूसरा काम इख्तियार कर लिया, तो दूसरे कौल की वजह है कि पेशा ये लाजिम नहीं होता है। वयुमकिन तहव्वुल अनिल खसीसत इला नफीसत मिनहा, मिनहा में आज़मीर कबर जो अल हरफ है, और मुमकिन है घटिया पेशे से उम्दा पेशे की जानिब फिर जाना, मुंतकिल होना, ये कोई लाजिम चीज नहीं है, तो इसलिए जब इसमें तहव्वुल हो सकता है तो ये भी किसके तरीके से हो गया, माल के तरीके से हो गया, सुबह के वक्त आया शाम के वक्त चला गया, लिहाजा इसका कोई एतबार नहीं।
उसी तरीके से भी आज ये काम कर रहा है, चलो कल छोड़ करके दूसरा काम करने लगा, दुकान कर लेगा। आज साड़ी बुन रहा है, कल जो है साड़ी खरीद करके बेचने लगेगा, दोनों में फर्क है, गृहस्था बन जाएगा। चलिए।